ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ है। सौभाग्यवती नारियां अखंड सौभाग्य के लिए, बट सावित्री का व्रत आप लोग करते होंगे कई लोग, अखंड सौभाग्य के लिए करेंगे, क्योंकि इस वट के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु शंकर जी से विनती करे थे वर के लिए, इसलिए अखंड सौभाग्य का देने वाला। जिसका प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो, अदालत में कोई केस चल रहा हो, किसी भी चीज का केस, अदालत में अगर किसी भी चीज की अगर केस चल रहा है, तो बड़ के पत्ते के ऊपर बालू मिट्टी का शिवलिंग बना, बालू रेत का, बड़ के पेड़ के नीचे ही उसकी पूजन करें, उस पे 3 चम्मच दही चढ़ा दें, अपनी मनोकामना कर कर दही चढ़ाकर उस दही को चम्मच में वापिस लेकर शंकर जी की पूजन कर कर उसको विसर्जन करें। वो दही जो लेकर आए, जब अदालत कार्रवाई हो और आप केस के लिए अदालत में जाए, उसको चंदन में मिलाकर तिलक कर कर जाइए, आपका काम विजय प्राप्त होगी, काम फतेह हो जाएगा। बटकेश्वर महादेव का स्मरण करने से कार्य की सिद्धि होती है। जिस बच्चे का एग्जाम में पास नहीं हो रहा हो, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हो, वो भी इस दही का तिलक लगा कर जा सकता है बटकेश्वर। ऐसे भगवान शिव विराजमान है। 16 श्रृंगार में नारी के हाथ की चूड़ी का कलर अलग हो सकता है, चूड़ी की डिजाइन अलग हो सकती है, चूड़ी अलग हो सकती है, चूड़ी महंगी सस्ती हो सकती है, मंगलसूत्र की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पांव की बिछुड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, तुम्हारे शरीर पर जितने जितने 16 श्रृंगार हैं उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल मंगलसूत्र की डिजाइन बदल सकती है, नाक की लौंग की डिजाइन बदल सकती है, कान के बुंदे की डिजाइन बदल सकती है, हाथ की चूड़ी की डिजाइन बदल सकती है, पांव की पायल की डिजाइन बदल सकती है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में 1 श्रृंगार ऐसा है जिसकी कीमत जो पहले थी वही कीमत आज तक है, और उसकी डिजाइन आज तक नहीं बदली, वो मांग का सिंदूर है, एक जैसी डिजाइन है और एक जैसी कीमत है। सारे श्रृंगार की कीमत अलग, पर मांग में जो सिंदूर डाला जाता है वो एक कीमत का होता है, एक डिजाइन का होता है और एक जैसा होता है, और वो सबसे भारी होता है। सावित्री यमराज से कह रही है मेरे पति को छोड़ दो। यमराज कह रहा है सावित्री तेरा पति मर चुका है, मांग के सिंदूर को पोछ दे। सावित्री कहती है पूरा श्रृंगार उतार दूंगी पर मांग का सिंदूर नहीं पूछने दूंगी। तब यमराज ने कहा जब तक तू मेरे मांग का अपनी मांग का सिंदूर नहीं उतारती तब तक तू मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान यमराज से सावित्री ने कह दिया मैं भी तुझे वचन देती हूँ यमराज, मेरी मांग में जब तक सिंदूर है, जैसे सीता ने लाइन, लक्ष्मण जी ने लाइन खींच दी थी और सीता पार नहीं जा सकती थी, मैं भी तुझे वचन देती हूँ जब तक नारी की मांग में सिंदूर है तब तक तू उसके पति को उसके सामने लेकर नहीं जा सकता, यह भी मैं तुझे कह देती हूं। यमराज भैंसे पर सवार होकर सत्यवान को लेकर जा रहा था, सावित्री से वचन पर वचन चल रहे थे, बड़ के पेड़ के नीचे छोड़कर आए। क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए तुझको, क्या दूं मैं तुझको, कुछ मांग ले मुझसे। सावित्री कहती है क्या दोगे आप, मेरे पति के प्राण दे दो बस वापिस, और कुछ नहीं चाहिए। जब यमराज यमलोक में प्रवेश करने लगा, मांग के सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर सावित्री ने केवल हाथ में लेकर अपनी बिंदी पर जो लगाया, सत्यवान को लेकर यमराज अंदर नहीं जा पाया, बाहर खड़े होकर कहता है मांग ले, मैं तुझे एक वचन नहीं, तू बोले तो मैं 2 वचन दे देता हूँ, तू बोले तो मैं 3 वचन दे देता हूँ, तू मांग क्या चाहिए। तब सावित्री ने कहा देना चाहते हो, हाँ। अब यमराज को लगा कि लालच में पड़ गई सावित्री, तब कहा पहला वचन दीजिए मेरे अंधे सास ससुर के नेत्र वापिस आ जाएं। यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा वचन दीजिए मेरे सास ससुर अपने पोता पोती का मुख देखें। यमराज ने कह दिया तथास्तु।
आज जाने लगे फिर आग जलने लगे। कहने लगे अब मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा। सावित्री कहती है तुमने वर दिया है मेरे सास ससुर पोता पोती का मुख देखें, उनके बेटे को तुम ले जाओगे तो पोता पोती कहां से होगा, छोड़ कर जाओ। कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाए। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चुक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल, चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला कर और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बढ़कर पेड़ के नीचे अपनी कामना कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दो। महाराज दो या तीन सोमवार एक ही जगह पर करना, तीन सोमवार बाद वहीं से बढ़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को कोई धागे में बांधकर या तो अपने गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े देर पटक कर रखो, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बढ़ता पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ता वृक्ष आप रूप फैलता जाता है, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव पत्नी को कभी हल्का मत समझना। सावित्री का पति शांत हो गया था, मर गया था, बड़ के पेड़ के नीचे यमराज उसको लेने के लिए आ गए और सावित्री को छोड़कर यम उसके पति के प्राण लेकर जाने लगा। सावित्री मैया अपने सातित्व के बल से, सावित्री मैया अपने सावित्री अपने सातित्व पतिव्रता परमेश्वर के बल से यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज आगे सावित्री पीछे, यमराज आगे सावित्री पीछे। यमराज ने पलट कर देखा तो पीछे सावित्री आ रही थी। सावित्री से पूछा तू मेरे पीछे क्यों आ रही है, मेरे पति सत्यवान को तुम लेकर जा रहे हो, मेरे पति को छोड़ो। यमराज ने कहा इसका अंतिम क्षण है, मर चुका है, जाओ नीचे उसके शरीर का अंतिम संस्कार करो नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा। सावित्री बोली मैं जाने वाली नहीं हूं, मेरे पति को छोड़ो। यमराज कहते हैं हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है। यमराज लेकर जाने लगे, सावित्री और पीछे चली, सामने यमलोक था, अंदर सावित्री जाने लगी तो यमराज ने रोक दिया, रुक कहां जा रही है तू, अंदर क्यों प्रवेश कर रही है, मेरे पति सत्यवान को छोड़ दो। यमराज प्रसन्न होकर बोले सावित्री आज मैं प्रसन्न हो गया तुझ पर क्योंकि तू मेरे दरवाजे तक आई है, मांग तुझे क्या चाहिए। सावित्री कहती है मुझे 2 वर दे दो।